हेलो फ्रेंड्स, ये है एक IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इसकी मदद से आप दूर से ही किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ करा सकते हैं। जो ही मैं अपना हाथ इन सेंसर के करीब लेके जाता हूँ तो LED ग्लो हो जाता है, और जो ही इन सेंसर से मैं दूर लेके जाता हूँ अपने हाथ को तो LED ऑफ हो जाता है। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की मदद से आप अपनी डिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। फ्रेंड्स, हम इस IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर की मदद से अपने हाथ के इशारे से ही एच ब्रिज सर्किट में लगाकर अपनी मोटर के डायरेक्शन को भी तब्दील कर सकते हैं। IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर बनाने के लिए हम LM358 का IC इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, हम IR LED का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें एक जो छोटी इसकी जो पिन है वो माइनस है और जो बड़ी पिन है वो प्लस है। फ्रेंड्स, LED की जो छोटी पिन है उसके साथ हम एक 220 ओम का रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। दूसरे सेंसर के लिए इस्तेमाल करेंगे फोटो डायोड। इसकी छोटी पिन माइनस है और बड़ी पिन प्लस है। फ्रेंड्स, फोटोडायोड की जो छोटी पिन थी उसको मैंने LED के बड़ी पिन के साथ जोड़ दिया है और हमारा एक पॉजिटिव कनेक्शन निकल आया। फ्रेंड्स, फोटोडायोड की जो बड़ी पिन थी उसके साथ मैंने एक 10K का रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया है। और 10K का जो दूसरा सिरा है उसको मैंने ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है। अब हम पिन नंबर 2 को इस 10K रजिस्टर के साथ जोड़ देंगे। दोस्तों, वेरिएबल की जो तीसरी पिन है दरमियान वाली, उसको हम जोड़ेंगे IC के तीसरी पिन के साथ। यानी कि ये वाली जो पिन है, ये वाली जो पिन है इसको हम जोड़ेंगे इस IC की तीसरी पिन के साथ। दोस्तों, इसकी जो ये पिन बची है, ये वाली, इसको हमने कर दिया है ग्राउंड। ये हमने बना दिया है इसकी ग्राउंड की पिन, ये वाली।
फ्रेंड्स इसकी जो 8 नंबर पिन है वो पॉजिटिव है और जो 4 नंबर पिन है वो नेगेटिव है और जो 1 नंबर पिन है वो आउटपुट है। मैंने 1 नंबर पिन को इसके बटन के साथ जोड़ दिया है, ये वाले बटन के साथ। तो आइए इसको अब टेस्ट करते हैं।